समय उसी को सफल बनाए जो समय को खुद चलाए। नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं और मैं कामना करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और जिंदगी की नई ऊंचाइयों को छूते रहें। दोस्तों, आज भगवान ने किसी को पैसा ज्यादा दिया है तो किसी को कम, किसी को हुनर ज्यादा दिया है तो किसी को कम, किसी को काला बनाया है तो किसी को गोरा। लेकिन दोस्तों, टाइम हर किसी को बराबर दिया है, समय के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया, हर किसी को वही 24 घंटे मिलते हैं हर रोज। दोस्तों, फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग करके एक बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग अपने समय का प्लान ना करने की वजह से जहां थे वह उससे भी नीचे चले जाते हैं। दोस्तों, हाँ, आज मैं आपको सिखाने आ रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की वो स्किल्स जो आज सक्सेसफुल लोग अपने जीवन में करते हैं। यदि आप भी वो चीजें सीखना चाहते हो, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो और अपने परिवार को और अपने बच्चों को एक नया जीवन देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिएगा दोस्तों, कुछ पेपर पेन लीजिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि जो चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो एक बेहतरीन टेक्निक के साथ में, जो आज एक बड़े बड़े लोग उन चीजों को यूज कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली बात आती है टाइम मैनेजमेंट में कि आप किस तरह से अपने सुबह से शाम तक के समय को मैनेज करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने टाइम को सही से मैनेज करते हो तो आप कमी कहां हो रही है, क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रही है, आपको कहां पर नुकसान हो रहा है, इसको जानने के लिए दोस्तों, जब डॉक्टर भी किसी चीज का इलाज करता है तो इलाज करने से पहले उसको डायग्नोज करता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सबसे पहले डायग्नोज करना है कि आपका समय कहां पर प्रोडक्टिव समय कामों पे लग रहा है और कितना समय अनप्रोडक्टिव कामों पे लग रहा है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली टेक्निक मैं आपको देता हूं कि आप अपना एक टाइम का लॉग बुक बनाइए। दोस्तों, जी हाँ, हर दिन का एक हफ्ते की प्रैक्टिस होगी दोस्तों, आप करके देखिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये एक लेवल से ऊपर की बातें हैं जो आज अमूमन लोग इन चीजों को नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, चलेगा, आप हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि मुझे पता है मेरा समय कहां इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं दोस्तों आपसे फिर भी कहूंगा एक बार अपने लिए कोशिश करके देखिएगा ये लॉग बुक बनाने। इस लॉग बुक में कैसे आप मेंटेन करोगे, सुबह लगिएगा इस लॉग बुक को बनाने में, और सुबह जब जब आप कोई भी दूसरा इवेंट करते हैं तब तब इस लॉग बुक को मेंटेन कीजिएगा कि सुबह उठने के बाद में आपने क्या किया, कितना समय कहां दिया, 20 मिनट कहां दिए, 15 मिनट कहां दिए, 30 मिनट कहां दिए, 40 मिनट कहां दिए, और इस तरह से आप शाम तक का पूरा वक्त लिखिएगा उसमें, कितना टाइम आपने फेसबुक देखा, कितना ट्विटर को देखा, कितना आप खाली बैठ करके दिया, कितना आपने कोई काम करके दिया, जो भी काम आपने किया अपने लिए ईमानदारी से इस पे लिखिएगा, एक दिन लिखिएगा, पूरे दिन लिखने के बाद में शाम को बैठ करके इसको इवेल्युएट कीजिएगा, और ऐसे इवेल्युएट कीजिएगा जैसे आप एक इंस्पेक्टर हैं और आप मेरी अनिल के कुमार इम्प्रिंट की लॉग बुक चेक कर रहे हैं, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से काम प्रोडक्टिव है और कौन से अनप्रोडक्टिव कामों में आपका समय जा रहा है। प्रोडक्टिव काम वो है दोस्तों जो आपको कुछ बेहतर बनाती हैं, जो आपको आज से कल के लिए तैयार कर रही हैं। प्रोडक्टिव काम वो है दोस्तों जिनसे आपने कुछ सीखा है, जहां पे आप कंस्ट्रक्टिव मोड में रहे हैं, जहां आप क्रिएटर मोड में रहे हैं, ना कि यूजर मोड में। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको सहायता करेंगे। जब आप इसको डिजाइन करते हो दोस्तों, तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा जिस पर आप ये डिफाइन कर सकते हैं, ये वाले आपके प्रोडक्टिव काम हैं और ये हैं अनप्रोडक्टिव काम हैं। जब दोस्त इन चीजों पे आप फाइनलाइज कर पाते हो, जब आप इन चीजों को देख पाते हो, तो आप को ये वजह मिलेगी कौन से अनप्रोडक्टिव कामों पे आपका समय जा रहा है। जब आप इस चीज को डिफाइन कर पाते हो तो आप अपने दिमाग में एक सवाल पैदा कीजिएगा कि कल
मैं क्यों इन अनप्रोडक्टिव कामों पर फोकस कर रहा हूं, क्यों अपना समय ज्यादा इन कामों पर दे रहा हूं। दोस्तों जब आप अपने दिमाग में सवाल पैदा करोगे तो जब भी आप उस अनप्रोडक्टिव काम की तरफ जाओगे तो आपके दिमाग में सवाल फिर आएगा, क्यों कर रहे हो आप। और अब वो सवाल, वो क्यों का सवाल आपको आपके इस मकसद पर, आपको टाइम को सेव करने की तरफ आपको लेके जाएगा। दोस्तों सेकंड चीज है दोस्तों, अमूमन लोग अपना काम रूटीन काम में अपना समय बिता देते हैं, अपने बेहतरीन कामों को जो उसको करने चाहिए उनको छोड़ करके रूटीन कामों पे अपना वेस्ट टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। अब बात आती है प्रायोरिटी कैसे बनाएं, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, वो कैसे डिफाइन करें और कौन सा हम करें, कैसे उसको करें। तो उसके एक प्रायोरिटी सिस्टम के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं एक बेहतरीन फॉर्मूला, जिसमें ऊपर इंपॉर्टेंट है और नीचे की तरफ एक एरो है वो नॉट इंपॉर्टेंट है। वही मेरी तरफ जो ये एरो है इधर, इस पे अगर आप देखते हो तो ये अर्जेंट है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो वो नॉट अर्जेंट है। दोस्तों तो जब आप इन चीजों को देख रहे हो तो आप देखोगे कि रेड कॉर्नर पे जो है, जो स्लाइड पे रेड पे जो स्लाइड है, वो कॉर्नर इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में मैं इसे आगे बढ़ने से पहले एक डिफरेंशिएट आपको करूं। दोस्तों अर्जेंट वो होता है जो आप के लिए टाइम बाउंड है, और इंपॉर्टेंट वो होता है दोस्तों कि आप उस काम को करना आपके लिए जरूरी है, जिसके ना करने से आपको फाइनेंशियली, आपको इमोशनली और आपको सोशली किसी ना किसी तरह से आपको इफेक्ट पड़ना है उसका, वो आपके लिए जरूरी है, जहां पर आपकी अपनी प्रेजेंस ज्यादा जरूरी होती है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि आपको वहां पर प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वही नीचे वाले की तरफ आते हैं हम, ग्रीन वाला, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट क्या है, अर्जेंट है। जी हाँ दोस्त, वो अर्जेंट है यानी उसमें टाइम का स्पेस है। अर्जेंट का मतलब होता है टाइम का स्पेस होना, जिसमें भाई टाइम बाउंड है, अगर नहीं हुआ तो कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको ही जाना हो। तो दोस्तों इनको कैसे आपको सॉर्ट आउट करना होगा, इनको सॉर्ट आउट करना होगा कि रेड जोन में जो है, जो इंपॉर्टेंट भी और अर्जेंट भी है, वो आपको करने हैं और अभी करने हैं, इमीडिएटली आपको करने हैं, तो उनको इमीडिएटली फिनिश कीजिएगा। जो दोस्तों येलो कलर में है वो करने आपको ही है, इंपॉर्टेंट है नो डाउट एट ऑल, बट आज अर्जेंट या अभी अर्जेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको थोड़ा डिले किया जा सकता है, जो आज के इंपॉर्टेंट काम है उनको निपटाया जा सकता है पहले। जहां ग्रीन जोन की बात आते हैं दोस्त, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अर्जेंट जरूर है, आज अगर नहीं किया तो कोई नुकसान हो सकता है उसके लिए, तो उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप उन कामों को किसी को डिलीगेट कर सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष को भेज सकते हो उस काम के लिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। और दोस्तों जो ब्लू कॉर्नर पे है, उस कॉर्नर पे अगर आप फोकस करते हो तो ना तो वो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, यानी आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो, जिसमें आते हैं आपका सोशल मीडिया को आप कितना समय जो देते हो, यदि आप उसको प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट आदमी होते हैं वो किस तरह से अपने समय को यूटिलाइज करते हैं जब वो ट्रेवल करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा हो ट्रेवल करते समय, कुछ लोग आपस में बातें करके ट्रेवलिंग का टाइम बिताते हैं, कुछ लोग वहां पर शो करके टाइम बिताते हैं, कुछ लोग वहां पर पढ़ करके टाइम काटते हैं। दोस्तों आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, वो हमेशा अपने साथ में कुछ पीरियोडिकल्स रखेंगे और कुछ किताबें रखेंगे, जिनसे कि वो अपना समय वो जो यूटिलाइज कर पाए, उस समय में कुछ बेहतर सीख पाए, उस समय को प्रोटेक्टिव बना पाए। दोस्तों कुछ लोग उस समय में सोते हैं ताकि वो अपने आगे वाले प्रोडक्ट पे पहुंचते ही, डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही अपने समय का सदुपयोग कर पाए, अपनी मीटिंग्स को अरेंज कर पाए और आगे बढ़ पाए। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने ट्रेवल टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो उसको देखिएगा और उसको बेहतर बनाइएगा। जितना आप उस समय को बेहतर बनाओगे उतने ही आप और सक्सेसफुल होते जाओगे। दोस्तों अब दोस्तों मैं नेक्स्ट टेक्निक आपके लिए लेके आ रहा हूं कि आप जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं होती है तो आपका काम करने का मोटिवेशन नहीं बनता। दोस्तों आपके पास हजार बहाने रहते हैं, आज रहने दो कल से शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो दोस्तों आप जब इन चीजों पर अंगेज रहते हो तो आप पाते हो कि आपकी मोटिवेशन कम होने की वजह आपका प्लानिंग है। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कहावत है कि जब तक शादी की डेट फिक्स नहीं होती, जब तक शादी की तैयारियां नहीं होती हैं,
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपने अपना लाइफ का गोल बनाया है तो उसके लिए डेट फिक्स कीजिए, मतलब इतनी डेट तक करना है, डेडलाइन दीजिए उसको। जब आप डेडलाइन दोगे तो आपको काम करने की एनर्जी को आप देखोगे, आप अपने आप को ग्रूम अप कर पाओगे और आप अपने आप के लिए एक नया फील्ड चुन पाओगे, अपने आप को एक नई स्पीड दे पाओगे अपने काम को। दोस्तों अपने जीवन में जब भी कोई काम करते हो उसको डेडलाइन देके देखिए, डेडलाइन दोगे तो आप मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं कि किस तरह से हम इस चीज को और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हम अपने समय का और सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला आता है फोकस ऑन आउटकम। जी हाँ दोस्तों, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं वो फोकस करते हैं कि उन्होंने टाइम कितना लगाया। आप हम उन लोगों कहते सुनोगे कि मैंने तो 8 घंटे दिए हैं, मैंने 10 घंटे दिए हैं, मैं तो 9 घंटे काम किया है, मैं 15 घंटे काम करता हूं। लेकिन दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इस चीज पे फोकस बात करते हुए आपको मिलेंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। उन्होंने आज 2 टॉपिक कवर किए, उन्होंने 10 टॉपिक कवर किए, उन्होंने 1 किताब कवर कर दी, उन्होंने 1 चैप्टर कवर कर दिया। वो बात करेंगे आपको कंटेंट की क्वालिटी पे कि आपने किया कितना है, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है। जबकि जो ऑर्डिनरी व्यक्ति होंगे वो अपने समय पे फोकस करेंगे, मैंने 10 घंटे दिए। जबकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति फोकस करेगा कि 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी आपकी क्या थी। दोस्तों जब आप इन चीजों को प्लान करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्वालिटी को बढ़ा पाओगे। दोस्तों मैं आप आगे बताना चाहूं कि हर व्यक्ति का कोई समय ऐसा होता है जहां पर आपको इंटरेस्ट होता है, जहां पर आपको बड़ा मजा आता है काम करने में, जहां फुल ऑफ एनर्जी होते हो, दोस्तों उसको हम प्राइम टाइम कहते हैं। दोस्तों आज न्यूज चैनल्स को आप देखते होंगे, न्यूज चैनल्स का एक पर्टिकुलर टाइम प्राइम टाइम कहलाता है। दोस्तों जैसे शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच का, 9:30-10 बजे तक का, दोस्तों उस समय पे अगर जो जो एडवर्टाइजमेंट आती है उनका रेट भी अलग होता है। दोस्तों क्यों? क्योंकि वो प्राइम टाइम है। दोस्तों ऐसे ही आपके दिन का भी प्राइम टाइम आपके पास होगा। देखो क्या है वो प्राइम टाइम, कौन सा है वो प्राइम टाइम आपके लिए, और उस प्राइम टाइम में दोस्तों जब आप काम करने लगोगे उस प्राइम टाइम के साथ में, जब आप अपना जो डिफिकल्ट काम है उसको जब वहां पे निपटा रहे होंगे दोस्तों, तो आप पाओगे कि आप में एक बेहतरीन रिजल्ट आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों इस प्राइम टाइम को पहचानिए, पहली बात। दूसरा, उस प्राइम टाइम में वो इंपॉर्टेंट काम कीजिए जिनमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। अदरवाइज आप अगर छोटे मोटे कामों में अपनी एनर्जी ज्यादा लगा दोगे तो एंड टाइम पे जब आपको उसकी जरूरत है, जिस काम के लिए आपको उसकी जरूरत है, उस समय पे आप उसको फोकस नहीं कर पाओगे। दोस्तों जब मैं आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूंगा कि अमूमन लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कामों में भी अपने आप को बिजी रखते हैं। यानी कि जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, पैसों पे फोकस करते हैं। मेरा पैसा बचना चाहिए, मेरा पैसा बचना चाहिए। जबकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो टाइम पे फोकस करते हैं, तो उसका टाइम बचना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। क्यों होता है उनका टाइम वैल्यूएबल? क्योंकि उनकी 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है, हजारों रुपए है। यदि कोई काम ऐसा है जो दूसरे से करवाने से काम चल सकता है, तो वो अपना 1 घंटा वहां पर नहीं देना चाहेंगे उस काम को। जो काम बाहर 1000 रुपए में हो सकता है वो 1 लाख का घंटा क्यों देंगे उसको? जो काम बाहर 10 रुपए में हो सकता है वो अपना 1 लाख का घंटा क्यों देंगे? इसलिए दोस्तों वो अपने कामों को आउटसोर्स करते हैं। आप देखोगे बहुत से लोग, आप अपने लाइफ में देखोगे, वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल लोग उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? कि सब कुछ वो खुद करेंगे तो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? वो अपना टाइम उन छोटे छोटे कामों में ज्यादा वेस्ट करेंगे जिनमें उनको वहां पे नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी पे काम करना चाहिए था, अपने बिजनेस की क्वालिटी पे काम करना चाहिए था, अपने आइडियाज की क्वालिटी पे काम करना चाहिए था। दोस्तों इसलिए जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको आउटसोर्स कीजिए। जितना आउटसोर्स आप करोगे उतना आपका समय बचेगा, और जितना आपके पास समय बचेगा उतने ही आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाओगे, अपने आप को और क्वालिटी टाइम दे पाओगे, अपने आप को और बड़े लेवल तक ले जा पाओगे। चलिएगा दोस्तों, मैंने आपके साथ ये 7 टेक्निक शेयर की हैं, इनको इम्प्रूव कीजिएगा, इनको अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर, और देखिएगा आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आपको मिलेगा। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत बेहतरीन बात कही है कि टाइम आपके लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए
सबसे बड़ा कैपिटल है, सबसे बड़ा धन है। जो इसको नहीं मैनेज कर पाया तो इसके नुकसान को भी कभी मैनेज नहीं कर पाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काम करेगी, ये वीडियो आपको असिस्ट करेगी ये चीजें अपने टाइम को मैनेज करने में। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जो टाइम मैनेज करके अपने जीवन को सुधार पाए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के बटन को भी आप दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहें। दोस्तों मैं आपके लिए आने वाली सीरीज की वीडियो आपके पास बताना चाहूं कि आपके पास स्टूडेंट से रिलेटेड कि कैसे अपने माइंड को ग्रो करें, कैसे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने सॉलिड इंटरेस्ट के साथ रहें, बेस्ट सेल्फ इमेज के साथ रहें, कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करें। इसी तरह दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड किस तरह से हमारी वैल्यूज हो, किस तरह हमारा बिलीफ सिस्टम हो, किस तरह के हमारे आइडियाज हो, किस तरह हम अपने बिजनेस को ग्रो करें से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज आने वाली हैं। उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों हम हेल्थ से रिलेटेड लें कि हेल्थ हमारी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से उस पर काम करता है, उससे बहुत सी बेहतरीन वीडियोज आने वाली है दोस्तों। इसी तरह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज आने वाली हैं। यदि आप इस वीडियो को, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपके जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।